हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ रवा केसरी। रवा केसरी की रेसिपी को आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कमेंट करके ज़रूर बोले कि कैसा बना है। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करके ही पूरा जरूर देखें। तो चलते हैं रेसिपी को करते स्टार्ट। रवा केसरी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी ले रही हूँ सूजी। ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 500 ग्राम सूजी है। फ्रेंड्स, ये बारीक सूजी है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे कलर चेंज होने तक। जब तक हम यहाँ पर शुगर सिरप को बना लेते हैं, तो सबसे पहले 4 कटोरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी और 2 कटोरी चीनी। तो जितना हम सूजी लिए हैं उतना ही चीनी ले रहे हैं और उससे डबल हम पानी लेंगे। तो यहाँ पर सूजी को हमें भूनना है, तो आप देख सकते हो सूजी भून रही थी। यहाँ पर मैं डालूँगी घी, घर का होममेड घी है, देसी घी डालेंगे इसमें। मैं यहाँ पर 25 से 50 ग्राम तक घी ली हूँ, जिसमें से मैंने थोड़ा सा घी अभी डाला है, 2 चम्मच जितना घी डाल के भूनेंगे। और यहाँ पर एक तेज़पत्ता को ऐड कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसी को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर शुगर सिरप में जो शुगर है वो मेल्ट हो चुका है। हम डालेंगे फ्लेवर के इलायची पाउडर, इलायची, और डालेंगे फूड कलर। तो ये है फूड कलर, साथ में कुछ केसर के धागे भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो फूड कलर डालें, और दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं या फिर दोनों ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी जो है कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पर हमारा शुगर सिरप भी उबल चुका है। शुगर सिरप को हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डाल देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे। इस तरीके से सारा शुगर सिरप हम सूजी में डाल देंगे और कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। इसी तरीके से हम चला लेंगे जब तक कि सूजी हमारा अच्छे से पानी के साथ मिक्स हो ना जाए। जैसे ही सूजी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए जो पानी है काफ़ी ड्राई हो चुका है। सूजी को हम इस तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। तो सूजी जो है हमारा पक चुका है, गल चुका है। यहाँ पर हमें और ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, दानेदार बनाना है। अब हम इसमें जो बाकी का बचा हुआ घी है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालेंगे। इससे क्या होगा, सूजी जो होगा वो दानेदार बनेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम घी डालते रहेंगे फ्रेंड्स। घी को हमने पहले से मेल्ट कर लिया था, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हम घी को डालेंगे। तो मैंने इसमें 50 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स करूंगी। बाकी जितना घी था सारे ही इस तरीके से डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमें ज़्यादा देर नहीं कुक करना है यहाँ पर। थोड़ी देर हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे, उसके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे हमारा सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होगा। तो बस यहाँ पर सूजी हमारा बन चुका है, गैस को हमने बंद कर दिया है। हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ढक के रखेंगे। सिंपल तरीके से बनाया हुआ रवा केसरी की रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम कटोरी में लेके सर्व करेंगे, जिसके बाद हम एक प्लेट में डाल देंगे। इससे क्या होगा, सेब भी बहुत अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगा और अच्छा लगेगा। और जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो तो खाने में भी अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा हम केसर के धागे से गार्निशिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।